ये उजड़ा चमन मेरा ने किया। हाँ नहीं, अपने कपड़े अब कर दें, खाना शाना खाते हुए सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम हो गया आप इनोशी के किचन में। और आप इस टाइम दूध वाले लगे हैं, दूध वाला आया था, दूध दे के गया था, समझ तो गए हो ना, दूध वाला हमें दे गया है दूध लेंगे। दूध वाले की मिलावट का पता चलेगा लोगों। उबालने के लिए पहले छान लेना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ग्वाले जो हैं, दूध वाले जो हैं, मिलावट बहुत करते हैं लोगों। चलो जी, कौन ऐसे मिलावट नहीं की, हमने कहा हम खुद ही मिलावट कर देते हैं थोड़ी सी। हाँ, तो आप ही करेगी, अभी आप ही के हुलिये पे मत जाना, आप ही के बाल खराब हो चुके हैं बदतमीजो। और ये हमने मिलावट कर छोड़ी है। दूध मैंने रख दिया है, और उसके बाद ये जो है चावल मैंने बनाए थे वो रात को, ये सुबह भी गर्म कर रही हूँ। ये उजड़ा चमन मेरा, ये उजड़ा चमन मेरा, क्या खाली नैना ऐसा कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। नैना आपके पीछे पीछे हम भी हैं। अच्छा जी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसलिए इस तरह का हाल हुआ हुआ है। मेरे कुछ महीने पहले बाल बहुत खूबसूरत थे, अच्छे थे, मोटे थे, प्यारे थे, सब तारीफ़ें करती थी लड़कियाँ। हैं, अब मेरे बाल सारे ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मेरे कसम ले रहे दिल भी नहीं कर रहा इसको कुछ लगाऊं। मेरे हस्बैंड खुद ऑयल बनाते हैं बालों का, नहीं मैं नहीं लगा सकती। यार यार कुछ भी नहीं, दिखाऊं क्या हो रहा है, डंडा बाजार। ये हानिया ने किया है, हानिया ने अपने कपड़े, हानिया ने, ओह कपड़ खुला हुआ है, हानिया ने अपने कपड़े जो हैं, नए तकिए भी लाई थी यार, वो पड़े हैं। ये अभी सर्दियों गर्मियों के हम लोगों ने जो है ना अपने कपड़े सारे निकालने हैं और करने रखने हैं, मतलब गर्मियों के अलग करने हैं और सर्दियों के अलग। अभी ये हानिया कर रही है, ये मैं नहीं कर रही। का मज़ीद काम करवाना था, लेकिन मैंने इसलिए रुकवा दिया है कि हमने घर शिफ्ट करना है, तो घर जब शिफ्ट करना है तो ये किराए पर जाना है, इसलिए जो है हम लोग मज़ीद काम नहीं करवाने। जब रहना ही नहीं है तो अपने मुताबिक का काम करवा के क्या करना है। सुबह के 10 बस 10। हाँ नहीं है, ये तो थोड़े हैं तुम्हारे कपड़े, और किधर हैं? ये तो है, उधर से वो सारे निकाल दिए। अच्छा, जफ्फी पाई हुई है, जफ्फी पाई है मामा ने, जफ्फी पाई है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड पे क्या क्या जुल्म करती हूँ ये दिखाऊँ आपको। मुझे गिराना थे ये कपड़े, धो रहे बच्चों के गुल्ली करने लग गया, देख लो कपड़े धोता धोता गुल्ली करना शुरू हो गया यार ये देखो लोगों, ये देखो मैं हूँ, ये बच्चों के कपड़े हैं। मैंने कहा मशीन में डाल के कर दें, खाना शाना खाते हुए सारा कुछ हो जाएगा। नहीं जरा आपको अच्छे नहीं लगते, कर रहे हो हेलो, ओ हेलो दूल्हा बना रहता है टाइम। चावल अभी डालने लगे हैं, बहुत जबरदस्त, गिरने जाए गिरने जाए गिरने। ये जो है चाय हमारी बन चुकी है। हेलो लोगो, ये देखो हम साईयों के घर से आई है मिठाई, हमारे नेबर के घर से बेटा हुआ है दो बेटियों के बाद, तो मिठाई बांट रहे हैं सब। और मोहम्मद को अच्छी लगी है ये, आपको अच्छी लग रही है मिठाई, भी अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, नहीं खाओ खाओ, बाबा को भी दो, भी दो पीला लड्डू, मेरे हिस्से छोड़ दिया पीला लड्डू। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट। नहीं नहीं खाओ खाओ यार, मैं मजाक कर रही थी। मैं तो नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? देखो क्या कर रहे हो, नहा के आए हो, वाह जबरदस्त हैं। ओए ये सारा झाड़ू बिखेर दिया ओए इस लड़के ने, क्या चाहते हो तुम, आए टक्कर दो ना मार, अम्मी को तंग करते हो हैं, अम्मी को इधर देखो, अम्मी को तंग करते हो। जो है हमारी ये हम बॉयल हो चुकी है, और इसके साथ ही मैंने प्याज जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और
ये मैं अभी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करूँगी, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करने, कच्चे पक्के से रखने हैं। और ये देखें, ये टमाटर भी मैंने काट लिए हैं और ये भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। ये देखें, ये हम ऐसे बनाएंगे। इसको हमने इस दाल के लिए कच्चे पक्के रखने हैं ताकि, अच्छा ये ऐसे इसमें लीमू डाल के भी खा सकते हैं, नमक मिर्च इस तरह से। ज़बरदस्त। अब मैं ये डालूँगी दाल, ये देखें मैंने डाल दी है, आपकी मर्ज़ी है इसमें हल्का फुल्का पानी रखना है, ठीक है। बिल्कुल खुश्क करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको खुश्क करूँगी। ये खाने में रोटी के साथ देसी घी मक्खन के साथ अच्छी लगती है, वैसे ये रोटी हो साथ में। जी मैं ये बनाने लगी हूँ रोटी, और ये मेरा जो फाइनल जो है तैयार है हमारी दाल। लीमू खा के फिर लीमू इसके ऊपर डाल के फिर खाएंगे, मम्मी काम होने वाला है अभी। हलवा किन्ने किन्ने खाना है, किन्ने किन्ने खाना हलवा जी, किन्ने किन्ने खाना हलवा जी, हलवा खाओ जान बनाओ, मोटे मोटे ताज़े हो जाओ। जी जनाब, हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। ये वो रात वाली दाल हलवा, हलवा मैंने कुछ खाया, कुछ बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा नुशी डाइटिंग कर, सिर्फ 5 से 6 पराठे खाने डाइटिंग में, अरे बाप रे, और एक बॉल जो है दही का खा लूँगी, अफाका होगा। समझ आई नहीं आई, आनी भी नहीं है। इतनी ज़्यादा चहल पहल हो चुकी है लोगों, इतनी ज़्यादा दंगे फसाद हो चुके हैं लोगों, नैना नैना ने फितना फैला दिया लोगों, नैना की अमानत में खयानत, उसकी अपनी राइट राइट, हाँ वही वही वही। देखो रोटी के ऊपर सालन रख के खा रहे हैं। ये चीज खानी आपने, हलवा आप खाएंगे, हलवा और फिर दिखाएंगे जलवा। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट, ये क्या हो गया, नोश पसंद है मुल्तानी हलवा। हमारे कपड़े आ चुके हैं लोगों, कपड़े सिल के आ चुके हैं, शर्ट्स इन्हें खोलना जाने, ये देखें इस तरीके से है। चलो जी आ गए हम, बाजू सही है, हाँ हल्का फुल्का टच थोड़ा सा दे दिया बस, सही है। ये चीज मेरे अजीज, ठीक है। सही है, बहुत सिंपल रखे। उसने कहा था मैं करूँगा साथ में ना हल्का फुल्का कट वर्क वगैरह, चलो सर्दियाँ ओके हो गया, डन। जनाब कपड़े सिल के आ चुके हैं दर्जी से, दर्जी ने कपड़े दे दिए आखिरकार। मैंने कहीं जाना था और मेरा प्लान जो है कैंसिल हो गया है, मैं अब नहीं जा पा रही, कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं नहीं जा पा रही। मैंने अपनी एक फ्रेंड्स को मिलने जाना था, तो बड़ी प्यारी सी हैं, क्यूटी सी हैं, लेकिन शायद नसीब में नहीं था मिलना। और कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी व्लॉगिंग, कोशिश कर रही हूँ मज़ीद अच्छी अच्छी बनाऊँ और आप लोगों को इंटरटेन करूँ। और बाकी जो है पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कुड़ियों, मैं तुहानू दसा
होया की ये, होया ये है कि पाकिस्तान में पंजाब वाली साइड पे, अब मुझे सिंध का नहीं ज़्यादा पता, पंजाब वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं बिजली के। अगर कोई है मुझे सुन रही है सिस्टर, वो भी बताए कि क्या उनके भी एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं। जैसे कि हमारा 50,000 बिल आ गया, सिर्फ एक एसी चलता है, वो भी इन्वर्टर है। तो छोटा सा घर है, बहुत बड़ा घर भी नहीं है कि भाई इधर पंखे चल रहे हैं उधर लाइटें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले जो है तेज़ जब गर्मियाँ थी उस टाइम तो दो फ्रिज चल रहे थे, अब एक चल रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बिजली के बिल उसकी वजह से आए। तो मैंने और भी काफ़ी जगहों पे देखा है, लोग रो पिट रहे हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा बिल आए हैं। अब जैसे हमारे घर के साथ वाला घर है, वो बंद घर है, बंद घर का भी 55,000 बिल आ चुका है। लोगों, ये जुल्म ठा रहे है कौन, हुकूमत है या उसके नीचे काम करने वाले इदारे? बहुत बहुत मसला हो रहा है। ये जिसके साथ भी हुआ है प्लीज़ वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज पता चला है कि व्हाट्सएप भी जो है बंद रहा है काफ़ी जगहों पे। मैंने जो है स्वीटी जी का भी व्लॉग देखा, उसमें भी वो लाइव आई हुई थी, वो बता रही थी और उसके बाद कम्युनिटी लगाई थी, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। चलो ये तो मशीनी काम है, हो गया होगा, फिर बाद में सही भी हो गया। तो बिजली के बिल के बारे में लाजमी आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों के भी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बताओ, ताकि सब मिल के शिकायत करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दो। खुश रहो, आबाद रहो लड़कियों, अल्लाह हाफिज़।